हिमाचल के ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद अब हथनीकुंड बैराज पर उसका असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं हथनीकुंड बैराज पर हूं और आपको ताजा तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि करीब 1,83,000 क्यूसिक पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए छोड़ा गया है, उसी की एक ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। जो गेट है वो सभी खोले गए हैं। हालांकि यूपी और जो पश्चिमी यमुना नहर की तरफ जो पानी छोड़ा जाता है उसके गेट बंद किए गए हैं, लेकिन 1,82,000 क्यूसिक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। ये ताजा तस्वीरें आप हथनीकुंड बैराज की देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव है और जो ये हथनीकुंड बैराज ये है वो उसका पानी का बहाव कितना तेज है आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि करीब 72 घंटे के बाद ये पानी दिल्ली में दस्तक देगा। हालांकि इसका असर दिल्ली पर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हथनीकुंड बैराज पर अब तक का इस सीजन का ये सबसे ज्यादा पानी है जो डाइवर्ट किया गया है दिल्ली की तरफ। हालांकि इससे पहले भी बारिश हुई है, कभी 85,000 कभी 90,000 क्यूसिक पानी दिल्ली या पश्चिमी यमुना नहर की तरफ छोड़ा गया है, लेकिन इस बार 1,82,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन की तरफ से मिनी अलर्ट भी घोषित किया गया है। एक बार फिर आपको ताजा तस्वीरें खबरें अभी तक की तरफ से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सभी गेट खोले गए हैं, पानी का बहाव कितना तेज है और हथनीकुंड प्रशासन इस पर पूरी नजर गिराए हुए है। हालांकि कुछ देर पहले जो पानी है वो करीब 3,000 क्यूसिक और बढ़ गया है, अब करीब 1,86,000 क्यूसिक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में क्या और जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये सिर्फ अभी सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 1,83,000 क्यूसिक पानी जो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है उसकी ताजा तस्वीरें हथनीकुंड बैराज से हम आपको दिखा रहे हैं। परवेज खान, खबरें अभी तक, यमुनानगर।